बड़ी मेरा नाम ज्ञान प्रताप सिंह, माल गोदाम पे आगे नुक्कड़ पे छोटा सा एक अपन पान की दुकान है। दुकान वो कह रहे हैं कि इनका रेलवे का है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं नगर निगम का है, क्योंकि हमने नगर निगम पे अभी ये 27/11 को हमने ये नोटिस दाखिल किए हैं, जिसके पे मेरे पास ये रसीद है, ठीक है। जबकि अभी एक महीना में कोर्ट में नगर निगम के अधिकारी आए थे, नापे थे, वो बोले असिस्टमेंट होगा। अभी हमने उनको दिया, अभी ये मेरा ये देखिए सबूत है, ये 27 तारीख का ज्ञापन, ये है, ये 27 तारीख को क्या कहा, इतना जल्दी जज फैसला ले लेता है। एक महीने का समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है, लेकिन ये 2 दिन के अंदर ये आगे झटके में तोड़ने, कल ये 6 बजे नोटिस चपकाए हैं शाम को, क्योंकि आदमी को मौका नहीं मिले किसी से बात करने के लिए। हमने कागज़ दिखाई, ये कह रहे हैं कि हमें कागज़ को नहीं देखना, हमको तोड़ना है। ये इनका कहना है कि इनको वसूली दिया जाए तब ये बचा रहता। ये 1-2 महीना पहले यही चतुर्वेदी थे जो अभी बाइट किए हैं। अगर इनको हम वसूली देते तो आज मेरी दुकान नहीं टूटती। मैं सीनियर आर्यन चतुर्वेदी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स वाराणसी। यहाँ 10 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म का कार्ड निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके लिए तृतीय निकास द्वार प्रस्तावित है, उसका कार्य जारी है। उसमें ये सारे इंक्रोचमेंट जो है आ रहे थे, जो कि काफ़ी दिनों से थे, इसको रेवेन्यू के साथ ज्वाइंट संयुक्त रूप से चिन्हित करने के बाद इसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। चूँकि ये तृतीय निकास द्वार जो है 9, 10 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही आवश्यक था, और ये समाज के लिए, बनारस के लोगों के लिए बहुत इससे लाभ पहुँचेगा, बहुत जो है सुविधा हो जाएगी। माल गोदाम रोड भी जो है आने जाने का इंट्रेंस और लोगों के लिए इसको हटाना अति आवश्यक था, और इसके प्रक्रिया इसके तहत इसको हटाया जा रहा है प्रशासनिक आदेश मिलने के बाद। इसके प्रसंग में उच्च अधिकारी इसको बता पाएंगे।